हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा अपने बाइक का परफॉर्मेंस अपग्रेड करेंगे। तो उसके लिए एक प्रोडक्ट मेरे को परचेस करना है। तो अभी जा रहे STARZ मॉड्स में, जहाँ BTM में ही है, घर के पास में ही है। तो वहाँ से एक प्रोडक्ट खरीदेंगे, उसके बाद आपको उसका बताएंगे क्या कौन सा प्रोडक्ट है और उसको कैसे यूज़ करना है और वो प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है और वो क्या बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करता है। तो चलिए चल के प्रोडक्ट बाई करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। प्रोडक्ट हमने परचेज कर लिया है, ये वाला है MS। तो घर चल के बताएंगे कैसे यूज करना है, क्या है ये। हाँ, तो कल मैंने प्रोडक्ट बाय किया था, ये वाला। तो ये एक लिक्विड मोली का मोटर बाइक के लिए है, MOS2 शूटर, ऑयल एडिटिव है, एंटी फ्रिक्शन है। तो ये क्या करता है, इसके पीछे जो लिखा है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। रिड्यूसेस फ्रिक्शन एंड वेयर, दस रिड्यूसिंग ऑयल एंड फ्यूल कंजप्शन, इंक्रीजेस द इंजन रनिंग स्मूथनेस एंड रिड्यूसेस मैल फंक्शंस फॉर ऑल 2-स्ट्रोक एंड 4-स्ट्रोक इंजन्स। तो ये बेसिकली क्या है कि ये एक इंजन का ल्यूब्रिकेशन है, ये एक सॉलिड ल्यूब्रिकेशन है। तो इसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स जो बहुत ही छोटे होते हैं, 0.3 माइक्रोन्स के होते हैं। तो वो क्या करता है, आपके इंजन के अंदर जाता है और आपके इंजन ऑयल के अंदर मिक्स हो जाता है। और ये मिक्स होने के बाद क्या होता है कि आपके इंजन के अंदर से ये आपका जितना भी मूविंग पार्ट्स है, गियर्स है, सबको ल्यूब्रिकेट करता है और जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस कर देता है। तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिसके कारण जो आपका पिस्टन्स मूव होते हैं, गियर्स मूव होते हैं, जितना भी अंदर में इंजन का पार्ट होता है मूव होता है, तो उस पर एक लेयर बना देता है जो स्मूथली उसको मूव करने में मदद करता है। तो इसको आप डालना है। तो ये एक प्रोडक्ट है हमारा, ये 249 का आता है और ये 20 ml का पैकेट है। ये मोटर बाइक के लिए, टू व्हीलर्स के लिए ओनली। तो ये कार वार में नहीं डालने का, तो ये टू व्हीलर्स के लिए है। तो ये 20 ml है, तो एक इंजन में डालना है। तो आपको अगर 1 लीटर का इंजन है आपका, 1 लीटर इंजन वाला आपका जाता है बाइक में, तो आपको 20 ml यूज़ करना है। तो मेरे पास RR310 है, तो उसमें 1.7 लीटर जाता है, तो उसमें अराउंड 30 ml तक मेरे को डालना है। मगर मैं 30 ml नहीं डालूंगा, मैं 20 ml ही डाल के पहले टेस्ट करूंगा। टेस्ट करने के बाद उसके बाद चला के देखूंगा कैसा आ रहा है। अगर सही है तो इसको आगे भी जब भी इंजन ऑयल चेंज करेंगे इसको, इसके बाद ये यूज़ करेंगे। तो इसका क्या होता है कि आपका तो वाइब्रेशंस वगैरह जो होता है, जो फ्रिक्शंस होता है आपके इंजन में, पिस्टन्स मूव होते हैं, तो फ्रिक्शंस जो होता है उसको बहुत ही लाइट कर देता है। तो आपको जो इंजन का साउंड है वो बहुत स्मूथ हो जाता है, आपका जो बाइक का वाइब्रेशन है, इंजन का वाइब्रेशन है, वो भी थोड़ा कम हो जाता है, साउंड आपका इंजन कम करने लगता है, एक्सेलरेशन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाता है।
और उसके बाद फिर आपका जो ऑयल कंजप्शन है, जो आपका पेट्रोल कंज्यूम कर रहा है, वो भी थोड़ा सा अच्छा माइलेज देने लगेगा और आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा इंक्रीज हो जाएगा, तो आपको फील होगा। और आपका जो गियर, बहुत सारे बाइक में क्लंकी गियर होता है, तो गियर बहुत स्मूथ, गियर शिफ्टिंग बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे, ये एंटी फ्रिक्शन MO2 शूटर है, ऑयल एडिटिव लिक्यू मॉली की तरफ से, मेड इन जर्मनी है। तो ये एक ऐसा, एक आपको ट्यूब आता है, ये आपको खोलना है, यहाँ पे एक दिया हुआ साइन कि इसको आगे से कट करना है, और इसको आराम से हम लोग बाइक के इंजन ऑयल में मिक्स कर देंगे, तो उसके बाद हमारा काम हो जाएगा इजीली। तो बाइक में डालते हैं और कैसे डालना मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद कैसे ये काम करेगा और कब काम करेगा, तुरंत ही इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा टाइम के बाद दिखेगा, तो कैसे दिखेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो आपको इस ट्यूब को बाइक में डालना है, तो पहले इसको ओपन कर लीजिए और एक सीज़र ले लीजिए, और उसका जो फ्रंट का टिप है इसको कट करना पड़ेगा, ये ओपन नहीं रहता है, इसको आराम से पहले कट कर लीजिए, थोड़ा मेहनत लगता है मगर कट जाता है, तो वैसे आप इसको जल्दी से कट कर लीजिए। और इसके अंदर का जो पार्टिकल है वो ऐसा ब्लैक ब्लैक रहता है, और थोड़ा सॉलिड छोटा छोटा आप टच करेंगे तो पता चलेगा। तो इसको आप अपना इंजन ऑयल का कैप खोल के इसके बाद इसको ट्यूब को पूरा अंदर डाल देना है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ट्यूब को पूरा अंदर खाली कर दीजिए। और उसके बाद इफ़ेक्ट आपको तुरंत नहीं दिखेगा, आपको इफ़ेक्ट मैं बता देता हूँ कब दिखेगा, 150 to 200 किलोमीटर के बाद, जब आप बाइक चलाएंगे तब आपको फील होगा कि आपका गियर बहुत स्मूथ हो चुका है और आपका वाइब्रेशन कम हो चुका है, इंजन का साउंड कम हो चुका है। तो अब इसको अपनाएं और देखिए कैसा लगता है। उसके बाद कैप को आप तुरंत बंद कर दीजिए, आप चलाना चालू कर दिए, उसके बाद कुछ नहीं करना, आराम से हो जाएगा। तो अगर यह चैनल आपको, ये आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और सपोर्ट करिए।